अमित शाह के बेटे जय शाह की किस तस्वीर पर छिड़ा है सोशल मीडिया पर बवाल। क्या गृह मंत्री का बेटा होने के अलावा नहीं है जय शाह की कोई योग्यता? क्या भारत में हो गई है क्रिकेट के पतन की शुरुआत? वरिष्ठ पत्रकार ने क्या बताई वायरल तस्वीर के पीछे की कहानी? नमस्कार, मैं हूं दरक्षा मुमताज और आप देख रहे हैं दो बोल। विराट कोहली की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आजकल सुर्खियों में बनी हुई है और इस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने बताया है कि उन्हें वनडे की कप्तानी को लेकर पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी, बल्कि मीटिंग से 1.5 घंटे पहले उन्हें इस बारे में बताया गया। तो वहीं दूसरी तरफ BCCI का कहना है कि इस बारे में कप्तान विराट कोहली को पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया गया था। कप्तान और बोर्ड के बीच चल रहे इस घमासान के बीच सोशल मीडिया पर लोग भी रिएक्शन दे रहे हैं। वहीं अब सोशल मीडिया पर क्रिकेट हस्तियों की एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिसे लेकर लोग काफी नाराज हैं और अपनी नाराजगी जाहिर भी कर रहे हैं। दरअसल डायरेक्टर विनोद कापड़ी ने हाल ही में एक तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। इस तस्वीर में BCCI सचिव जय शाह कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनके साथ BCCI प्रेसिडेंट सौरव गांगुली, राजीव शुक्ला और बाकी लोग खड़े हैं। विनोद कापड़ी ने यह तस्वीर शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा है कि ये सवाल लगातार पूछा जाना चाहिए कि सौरव गांगुली उम्र में भी बड़े हैं, पद में भी बड़े हैं और कद में भी, इसके बावजूद सौरव गांगुली खड़े क्यों हैं और जय शाह बैठे क्यों हैं? अपने एक दूसरे ट्वीट में विनोद कापड़ी ने लिखा है कि ये शर्मनाक तस्वीर भारतीय क्रिकेट के पतन की शुरुआत की तस्वीर है। जय शाह की योग्यता बस इतनी है कि वो गृह मंत्री अमित शाह का बेटा है। भारत के महान कप्तानों में से एक सौरव गांगुली हाथ जोड़े खड़े हैं पर जय शाह बैठे हैं। कापड़ी के मुताबिक इन सब ने मिलकर महान बल्लेबाज विराट को कप्तानी से हटाया है। कांग्रेस नेता संजय झा ने कापड़ी की बात को सपोर्ट करते हुए लिखा है कि एक सवाल जो कोई नहीं पूछेगा वो मैं ही पूछ लेता हूँ कि गृह मंत्री अमित शाह का बेटा होने के अलावा जय शाह की योग्यता क्या है जो वो BCCI का हिस्सा बने बैठे हैं। संजय झा के इस कमेंट पर फिल्म मेकर अशोक पंडित ने उन्हें जवाब दिया है। अशोक पंडित ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा है कि एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ, शरद पवार और राजीव शुक्ला की क्या योग्यता थी? इंदिरा गांधी का बेटा होने के अलावा राजीव गांधी की क्या योग्यता थी? अशोक पंडित ने आगे पूछा है कि सोनिया गांधी की क्या योग्यता है जो वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी बैठी है, और अब राहुल गांधी के बारे में तो बोलना ही मत। वही वरिष्ठ पत्रकार प्रणव सिरोही ने विनोद कापड़ी को जवाब देते हुए लिखा है कि जब पदाधिकारियों ने दायित्व संभाला था तो सभी लोग बारी बारी से एक दूसरे के चैम्बर में गए थे और इसके साथ फोटो सेशन कराया था, अपने अपने चैम्बर में सभी बैठे थे, मगर फेक न्यूज पेडलर्स को तो अपने एजेंडा वाली फोटो ही भाती है। काश की जॉगिंग से याददाश्त और अकल भी बढ़ा करती। बहरहाल इस तस्वीर के पीछे की असल कहानी क्या है ये तो जनता नहीं जानती, लेकिन हाँ जनता जितना जानती है उस हिसाब से उनका रिएक्शन गलत भी नहीं है। खैर, अभी तो विराट कोहली की कप्तानी का मुद्दा गरमाया हुआ है और देखना ये है कि आखिर ये मामला किस करवट बदलता है और अपने साथ कितने नए विवादों को जन्म देता है। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे दो बोल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। We'll be right back.